हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे हैदराबादी पनीर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पालक, एक गड्डी हरा धनिया, 200 ग्राम पनीर, सूखे मसाले कस्तूरी मेथी, एक सूखी लाल मिर्च, एक तेज़पत्ता। सूखे मसाले आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये है 1/4 कप दही है और 1/4 कप फ्रेश क्रीम है जो दूध के ऊपर से हम लोग मलाई निकालते हैं। 2 टमाटर है, 2 प्याज, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, हरी मिर्च, अदरक और ये है लहसुन। उसके अलावा तेल है और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने अभी 2 टीस्पून ऑयल डाला है, बाकी का ऑयल हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। प्याज को मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काट लिया है, काट के अभी मैं इनको हल्का भून रही हूँ। भून के अभी मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, डाल के थोड़ा सा और मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर को भी मैंने थोड़ा बड़ा ही काट लिया है, 2 टमाटर हैं, डाल के इनको अभी अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा नरम होते तक इन्हें मैं पका लूँगी। ये सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। स्पेशली साउथ में इसे शादियों में बनाया जाता है और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पालक, ये 200 ग्राम पालक है जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था धो के, और इसके जो पतले वाले डंठल है उसको मैंने इसी में रहने दिया है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसमें हम लोग पालक ज़रूर डाल रहे हैं बट इसमें पालक का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता है। इसका टेस्ट पालक पनीर जैसा नहीं है, डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अभी मैंने इसमें डाला है धनिया, हरा धनिया, ये एक गड्डी हरा धनिया था बट ये साफ़ करने के बाद एक कटोरी है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत यम्मी है। इसे आप चावल के साथ खाओ, नान के साथ खाओ, पराठे के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो इसे डेफिनेटली बना ला, सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। अभी मैंने पालक को नरम होते तक भून लिया है, उसके बाद ठंडा होने रख दिया है। पालक को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट नरम होते तक पकाना है। अभी ठंडा हो गया, मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के अब मैं इसका एकदम चिकना पेस्ट बनाऊँगी। बना के इसका आगे हम लोग सब्जी बनाएंगे। अभी मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, बना के अभी मैंने सेम पैन रखा है, वही पैन, उसमें मैंने डाला है ऑयल। ऑयल डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ऑयल गर्म होने के बाद खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने दालचीनी, जीरा, लौंग और इलायची का इस्तेमाल किया। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। उसके बाद तेज़पत्ता और एक सूखी लाल मिर्च डाली है। डाल के अभी मैं इनको अच्छे से भूनूंगी, तब तक जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। भून के अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा पेस्ट जिसको अभी हमने ग्राइंड कर लिया है। डाल के अब हम लोग इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पेस्ट आप चाहो तो पहले से बना के रख सकते हो। अगर घर में किसी फंक्शन या बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए बना रहे हो तो फिर जब आपको सब्जी बनाना है उस समय आप बनाओ तो जल्दी बन जाएगा। अब मैं इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके जैसे ये थोड़ा सा भुन जाता है, 2-3 मिनट बाद, मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको भून रही हूँ। भुनने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी दही। दही मैं घर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अराउंड 1/4 कप है। डाल के अभी इसे हमें एकदम कंटिन्यूसली लगातार चलाना है, अदरवाइज दही जल जाएगा, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। अभी मैं इसको एकदम अच्छे से और अराउंड 2 मिनट तक के भून रही हूँ, लगातार चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे। अब ये काफ़ी अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सबसे पहले मैंने डाला है हल्दी, उसके बाद मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये सब्जी भूनते समय छींटे उड़ते हैं तो आप थोड़ा सावधानी से इसे भूनना। अच्छे से भून के मैं थोड़ा सा ढक्कन लगा के इसे 1-2 मिनट के लिए और रहने दूंगी ताकि मसाले और ग्रेवी अच्छे से पक जाए। अभी मैंने ढक दिया है, ढक के मैं 2 मिनट बाद चेक करती हूँ। 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन निकाला है, आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी अच्छे से पक चुका है, साइड से ऑयल भी निकल रहा है। अब यहाँ पे आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब जितना गाढ़ा या जितना पतला रखना है, उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड करना। मैं इसमें अराउंड 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट तक और पकने दूंगी। ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला पहले से पक चुका है। अभी मैं इसे ढक दे रही हूँ, 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन निकाला है। 2 मिनट बाद ग्रेवी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, ये भी 1/4 कप है। फ्रेश क्रीम ये घर का, जिसे मैंने दूध के ऊपर से निकाला। आप चाहो तो मार्केट में जो मिलता है फ्रेश क्रीम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। अब
अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर, ये 200 ग्राम पनीर है। इसे मैंने स्क्वायर में काट लिया, आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप काट सकते हो। उसके बाद एक स्पून मैंने डाला है गरम मसाला, गरम मसाला डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके ढक्कन लगा के अराउंड एक या दो मिनट और मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। दो मिनट बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी अच्छे से पक गई है, ऊपर पूरा तेल भी आ गया, मतलब हमारा टेस्टी हैदराबादी पनीर बनके रेडी है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, ये हाफ टी स्पून है, इसे अच्छे से क्रश करके डालना है। बस बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल टेस्टी हैदराबादी पनीर बनके रेडी है। इसे आप रोटी चावल पराठा किसी के भी साथ खाओ, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है। अब ये मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके एक मिनट बाद मैंने ढक्कन निकाला है। आप देख सकते हैं सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है और दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी है। अब आप भी ये टेस्टी हैदराबादी पनीर बनाइए और इसे खाकर ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।